वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल प्याज की कचौरी, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले हमने एक परात ली है, उसमें 2 कप हमने मैदा डाली है। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, बट बाजार में ज़्यादातर मैदा से ही बनाई जाती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन, क्योंकि अजवाइन हमारे डाइजेस्ट के लिए अच्छी होती है। और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, इसको खस्ता बनाने के लिए। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब देखिए हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे से ऐसे मलते हुए मिक्स करना है ताकि सारी मैदा के अंदर हमारा ऑयल चला जाए और अच्छे से हमारी कुरकुरारी कचौरियाँ बने। और हमें मिलाते मिलाते ये चेक करना है थोड़ा सा लेकर। ये देखिए हमारा ये बंध रहा है ना, तो ये हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदेंगे और इसका डो जो है हमें बिल्कुल भी सख्त नहीं बनाना, हमें थोड़ा नॉर्मल बनाना है। ये देखिए हमारा एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है, अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है इसका। और इस पर हम अब थोड़ा सा तेल लगाएंगे अपने हाथ पर, 2-4 ड्रॉप, और इसको ऐसे कर देंगे इसके ऊपर ताकि हमारा डो जो है सूखे ना। इसको अच्छे से इससे लगा देंगे और एक कॉटन का कपड़ा हल्का सा गीला करके और उसको ऐसे हम रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। अब हम लेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ लिया है हमने, 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है और 5 लिए हमने काली मिर्च। इन सबको हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए हमने मसाले अपने दरदरे पीस लिए हैं। ये देखिए इतने दरदरे हमें रखने हैं। हलवाई जो है वो ये मसाले जरूर डालते हैं, जो कि उनकी कचौरियों में ज़्यादा टेस्ट आता है। अब इन्हें हम भूनेंगे। अब हमने लिया है एक पैन, उसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। अब इसे हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अब गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे जो हमने ग्राइंड किए थे, इन्हें अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले डालने से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी कचौरियों में। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक, जो कि मैंने ग्रेट कर ली थी, इसे भी हम भून लेंगे। और 3 से 4 हरी मिर्च अब डालेंगे इसमें लहसुन की कलियां, जो कि मैंने अच्छे से इसे चॉप कर लिया था। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अब हमारे मसाले भून गए हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे। हमारे जो कचौरी बना रहे हैं उसमें ये बाइंडिंग का काम करेगी, क्योंकि प्याज में से थोड़ा पानी भी निकलता है, इससे बाइंडिंग का भी काम होगा, इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा। इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए हमारा बेसन भी हल्का सा भून गया है, इसका कच्चापन सब निकल गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी प्याज। मैंने 3 बड़े साइज की प्याज ली थी। अब इसको भी इसके साथ भून लेंगे हम, पर हल्का सा कलर ट्रांसलेट करना हमें, ज़्यादा नहीं भूनना प्याज को अपने। साथ ही हम इसके अब डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, जिससे कि जो भी प्याज का पानी निकलेगा वो सब इसमें ही
ड्राई हो जाए अच्छे से ना मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब देखिए हमारा ये सारा मसाला रेडी हो गया है। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू अच्छी बाइंडिंग देता है इसलिए हमने इसमें आलू का यूज किया है। हमने 2 आलू यूज किए। इसको अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे अपने चमचे की हेल्प से। इसे भी बारीक कर लेंगे एकदम ऐसे, इसको मैश कर देंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पका लेंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून और 1 छोटी चम्मच हम चीनी ऐड कर देंगे ताकि हमारी प्याज का जो टेस्ट है और भी इनहेंस हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है और हमारा जो भी है ये डो एकदम तैयार हो चुका है। सारा मिक्स हमारा रेडी है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे हम अपने एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपने सारे मिक्स को बाउल में रख दिया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। अब हम अपना आटा निकालेंगे, इसका कपड़ा हटाकर चेक करेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा डो है। इसको एक बार अच्छे से और मसल लेंगे। ये देखिए हमारा डो जो है वो एकदम रेडी है और अपना हम मिक्स भी चेक कर लेते हैं, वो भी अब हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब हम अपने डो में से अब हम लेंगे अपने डो में से थोड़ा सा डो और इसको हम गोल गोल घुमाएंगे ऐसे अपना एक राउंड कर करके ऐसे कर लेंगे। अब इसको हम ऐसे ऐसे करके इसके किनारे से हमें ऐसे पतला पतला करना है और बीच से मोटा रखना है ऐसे करते हुए। अब हमें इसमें फिलिंग भरनी है अपनी, बीच में ऐसे इसकी फिलिंग रखनी है ऐसे करके इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब इसको ऐसे इसको हम ऐसे सील कर देंगे। ये देखिए अब इसको हम गोल राउंड में कर देंगे फिर दोबारा से इसको पूरा सील कर देना है। अगर कहीं से भी आपको लगे कि ये खुल रहा है अच्छे से और ये ऐसे राउंड राउंड कर देंगे और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे। इसको ऐसे ही करते हुए थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम इसको, चाहे तो आप चकले बेलन की हेल्प से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें फटने का डर रहता है। हम इसे हाथ से ही थोड़ा प्रेस कर करके बड़ा कर देंगे। ये देखिए हमारी ये रेडी है और ऐसे ही सारे हम अपने आटे के बनाकर रख देंगे। अब ये देखिए हमारा तेल तेज गरम हो गया है। अब हम ऐसे छन्नी लेंगे और इसमें हम अपनी कचौड़ी रखेंगे और ऐसे करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें सिर्फ इसे ऊपर से फ्राई करना है 8 से 10 सेकंड तक, अंदर तक ये फ्राई नहीं होनी चाहिए, वो हम बाद में करेंगे। ये देखिए ऐसे करना है हमें इसे लाते हुए। ये देखिए और ये थोड़ी ऊपर से हो गई है, बस इतना ही हमें करना है। ऐसे हम सारी अपने कचौरियों को करके रख देंगे। ये देखिए हमने अब हल्का हल्का से इन्हें फ्राई करके बाहर निकाल लिया है। अब हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। अब हम लो फ्लेम पर अपने कचौड़ियाँ डालेंगे ऐसे करके
ये देखिए है ना, हल्के से लो फ्लेम पर ही डालनी है ताकि अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। अब ये देखिए, अब इन्हें हम पलट भी देंगे। ये देखिए एक एक करके हम इन्हें उलट पलट करते रहेंगे जब तक इन पे गोल्डन कलर ना आ जाए। अच्छे से ना ऐसे पकाएंगे जैसे हलवाइयों की होती है ना एकदम गोल्डन कलर वाली, सेम वैसे ही कलर लेके आना है। ये देखिए हमारी कचौरियां कैसे फूल रही हैं। ये देखिए हमारी ये रेडी हो गई है। अब ऐसे हम सारी अपनी कचौरियों को निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारी हलवाई स्टाइल कचौरियां, प्याज की कचौड़ियाँ बनकर तैयार है। कितने अच्छे से फूली हैं और कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।